Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Sahil Farooq. And my name is Sabi Sohail. So welcome back to our channel Insane Jets. आज हम फिर से react करने वाले हैं बहुत 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 ज़्यादा time के बाद अपने favorite city of dreams जिसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं उस पर react करने वाले हैं. उसकी एक video जो है कि drone से shoot की गई है और ये भी हमने explore India के चाल से लिया. जैसे आप एक पहले हमारी video देख चुके होंगे जिसमें हमने इंडिया के आने वाले प्रोजेक्ट्स पे हमने उन पे विजिट किया. उस वो एक वीडियो हमने क्या नाम है अपलोड किया. अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके आप वो भी देख सकते हैं जल्दी से. और आज जो हमारी वीडियो है ये होगी मुंबई पे कि मुंबई में करंट सिचुएशन में मुंबई कैसा दिख रहा है, मुंबई में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं एंड वगैरह वगैरह अबाउट द मुंबई. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि सिटी ऑफ ड्रीम्स क्या क्या चेंजिंग्स अपने अंदर लेके आया, क्या क्या नोवेल्टीज लेके आया. और ये वीडियो एक्सप्लोर द वर्ल्ड के चैनल से ली गई है. तो काइंडली सब्सक्राइब टू द ओरिजिनल चैनल एंड सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल. बिल्डिंग्स ऐसे खड़ी हैं सिंपल, पता ही नहीं कितनी बिल्डिंग है. ऐसे ऐसे चेस की गोटियां खड़ी हैं. ऐसे रोड पे लॉन्ग ड्राइव करना तो सबका ख्वाब होता है, मजा आता है. यहाँ पे भी है मुनावरा, तो छोटा है मगर रोड पे ना आपको थोड़ा एक्टिव भी रहना पड़ता है. ये बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है. ताज, हम उसे ताज भी करेंगे. मुझे बहुत शौक है अंदर से देखने का. आई लव मुंबई. वाओ, पॉपुलेटेड सिटी लग रहा है ना, भरा हुआ है वादी से. बहुत डिफरेंट डिफरेंट और जो दरख्त बड़े प्यारे लग रहे हैं, जिस तरह खजूर के है ना, ये कोकोनट के बड़े प्यारे हैं. और ग्रीनरी भी है. किसी भी सिग्नल पे ही नहीं रहते, ये सिग्नल नहीं है इस एरिया में. वो वीडियो तेज चल रही है ना, सर मजाक कर रहा हूँ मैं. रुक गए हैं दिखाने में देखा. हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है ना. और अच्छा, ये बड़ा फेमस फेस्टिवल है मुंबई में, खास मुंबई में लोग मनाते हैं. बहुत फेमस फेस्टिवल है, मैंने अच्छा फिल्म में देखा है. लोग इनको अपने घर लेके आते हैं, 2-3 दिन के लिए स्पेशल इनका कोई इवेंट होता है.
मैं इसी का इंतजार कर रहा था बस। ये सुबह लग रहा है, मुंबई नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये वो एयरपोर्ट है जो न्यू बना है अभी। नहीं न्यू बना है वो, तो 2024 में स्टार्ट होगा दिसंबर में। बहुत मजा आया इसमें। क्या रिएक्शन है आपके सामने, उन्होंने हर बात कर दी है कि मुझे वैसे सभी मुंबई बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, जैसे हमें पता नहीं कि हमारा और अब्बास से शुरू होता है और खत्म हो जाता है फैजाबाद। नहीं ऐसा, ये बहुत बड़ा शहर है। इसी तरह हमारा भी कुछ, हम यहाँ के नेटिव हैं इसलिए हमें लगता है, लेकिन अगर कोई बाहर से आएगा रहा भी तो वो भी ऐसे ही फील करेगा वो आर प्लेस। इसी तरह जैसे हमें मुंबई के लिए भी फील हो रहा है। बहुत बड़ा समझ लगता है कहाँ से शुरू हो रहा है इतना। जब हम जहाज भी अक्सर देखे हैं इतने ज्यादा, इतनी बिल्डिंग्स के जहाज 10 मिनट तक, वो शहर ही है। तो एक कोने से कोने में कैसे लोग जाते होंगे। और मुझे जो एक सबसे मजे की बात लगी ना, एक तो पॉइंट जब से हमने चैनल स्टार्ट किया तब से मैं तारीफ करता हूँ कि ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा गया। हाँ, रोड बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, साफ सुथरे, क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखा गया। सेकेंड चीज, हम अभी इस्लामाबाद भी अपने जाते हैं तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है, कुछ ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एरिया नहीं था कि जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। आप रोड की इधर देखो उधर देखो, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कि आपको ऐसे करके देखना पड़ा हो। और मुंबई में ऐसी बिल्डिंग थी, हर रोड पे थी। इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। मुझे देखे बहुत है लाइक रश का आ रहा था मुंबई पे कि मैं भी काश उधर विजिट कर सकूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो मुंबई आता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए तो वो मुंबई हमेशा उसको चांस देता है। मुंबई हमेशा उस बंदे को चांस देता है जो आके अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, और जो एक बार मुंबई आ गया फिर वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि मुंबई शहर ही वो है कि आप जितने भी लोग एक्टर्स देख लो, कार्तिक आर्यन हो गया, कंगना रनौत हो गई, बहुत से एक्टर्स हैं जो डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट कोनों से आए और फिर मुंबई के होके रह गए। और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मुंबई आए थे 90s के एंड पे, 2000 के स्टार्ट में, और अब वो वहीं के होके रह गए, बहुत बड़े नाम बन गए। तो मुंबई वापस किसी को जाने नहीं देता। अगर कोई बंदा बिल्कुल थका हुआ है, बहुत ही फजूल किस्म का है, जो काम नहीं करना चाहता, वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर जो मेहनत करने वाला बंदा है, जो अपने वो कहते हैं ना सपनों को सरकार कहते हैं सपनों को सरकार करने वाला है, तो वो मुंबई में आता है। मुंबई का लिसनिंग दिस वर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने फिल्मों में देखा था, वो फिर मुंबई के होकर रहता है, बिकॉज मुंबई में वो अट्रैक्शन है, वो चार्म है, जो बाकी मतलब शहरों में बहुत कम है। दिल्ली में भी होगा, पर दिल्ली के लोग, इट्स द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू हैव जस्ट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड बिल्ड योरसेल्फ। सो वी लव मुंबई, वी विश कि कभी कुछ हो जाए, बट इट्स नियरली इम्पॉसिबल, nearly impossible, but the word impossible itself says I am possible, so we don't know about the future circumstances, might be kabhi inshallah future mein koi aisa chance bane ki hum log visit kar sake Mumbai, kuch aise inke political relations acche ho jaye, kuch ho jaye shayad aisa, shayad kabhi ho jaye aisa, to hum zarur Mumbai visit karna chahenge. It's our dream to visit Mumbai, or that's it for the today's video, and we love Mumbai, and that's it. See you next video. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।